हेलो गाइस, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इस मीटर टेप के साथ क्या कर रहा हूँ। वेल यू नो गाइस, आई एम वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड विथ वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द राइडर्स, दैट इज आप सभी को पता चल ही जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या आपको कभी स्पीड ब्रेकर पे गुस्सा आया है? वेल मुझे तो बहुत आया है, वो बम्पर की पेन। आई डोंट हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस गाइस। वेल हेलो एवरीवन, दिस इज कौशिक कुशारी एंड यू आर वाचिंग डबल टिक्स। और आज मैं स्पीड ब्रेकर्स के बारे में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, जिससे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो नहीं मिलेगी एज वेल एज द इन्फॉर्मेशन, बट एज वेल एज नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्पीड ब्रेकर से गुजरोगे आप उसे एक अलग नज़रिए से देखोगे। Also one more thing guys, we have one more video of Realme Buds Air giveaway जो आपको यहाँ पे तो मिल ही जाएगी, but as well as we are giving you the link in the description, so please go and check the video पहले। लेकिन इसको पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा, then after you go and check the giveaway, okay? Thank you guys. तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं अबाउट सम लॉस अबाउट स्पीड ब्रेकर्स दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो एज पर द स्पीड ब्रेकर्स लॉ, इट मस्ट बी यूज ओनली इन अर्बन एरियाज फॉर माइनर रोड्स और रेजिडेंशियल एरियाज। स्पीड ब्रेकर्स रिकमेंडेड नहीं है फॉर हाई स्पीड रोड्स और हाईवेज आउटसाइड द अर्बन लिमिट्स। सो ये बेसिकली आपको माइनर रोड्स पे या फिर रेजिडेंशियल एरियाज में ही देखे जाएंगे। द इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइंस के अनुसार डेटेड इन 12 जून 1987 स्पीड ब्रेकर्स को कहाँ कहाँ रखनी चाहिए इसके बारे में ब्रीफ में कहा गया है। जैसे कि स्पीड ब्रेकर्स हमेशा टी क्रॉसिंग पॉइंट्स और ऑन माइनर स्ट्रीट विथ मॉडरेट लो ट्रैफिक में ही होनी चाहिए। क्रॉसिंग पॉइंट्स ऑफ माइनर स्ट्रीट विथ मेजर स्ट्रीट एंड मिड ब्लॉक एरियाज इन अर्बन जोन्स। एंड लास्टली स्पीड ब्रेकर्स होनी चाहिए इन रेजिडेंशियल रीजन्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स। सो गाइस, आइए जानते हैं द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइडियल स्पीड ब्रेकर। इंडियन रोड कांग्रेस ने सजेस्ट किया है दैट स्पीड ब्रेकर्स आर फॉर्म्ड बेसिकली बाय प्रोवाइडिंग अ राउंडेड हम्प ऑफ 3.7 मीटर विड्थ and 0.10 meter height for the preferred advisory crossing speed of 25 km per hour for a general traffic. It is also mentioned that more hump should be constructed at a regular intervals depending on desired speed, acceleration, deceleration, characteristic of vehicles, and that the distance between one hump to another can vary from 100 to 120 meter center to center. सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि जैसे मैं एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर खड़ा हूँ, एज वेल एज आई हैव माई फ्रेंड अंकिता, शी इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन वन ऑफ द स्पीड ब्रेकर। सो एज पर द आइडियल स्पीड ब्रेकर स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पीड ब्रेकर का फासला 100 टू 120 मीटर में होना चाहिए, एक नॉर्मल डिस्टेंस। सो आई एम गोइंग टू चेक विद दिस वन ऑफ द गैजेट थ्रू द डिस्टेंस यहाँ का कितना है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो आप देख ही सकते हो, हियर व्हाट आई एम एबल टू सी इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्पीड ब्रेकर इज ओनली 14 मीटर। सो यू कैन सी गाइस व्हाट वी हैव चेक, एंड इसी के साथ आप जान पा रहे हो कि व्हाट अ डिस्टेंस शैल बी टू मेक अ आइडियल स्पीड ब्रेकर। सो आइए जानते हैं किस तरह का मार्किंग और पेंटिंग होनी चाहिए इन अ आइडियल स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर आने से पहले एक वार्निंग साइन का डिज़ाइन विथ हम्प और रफ रोड एक डिटेल में दिया गया है अंडर IRC 67 1997 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड साइंस।
डेफिनेशन प्लेट विद द वर्ड स्पीड ब्रेकर दिया जाएगा हर स्पीड ब्रेकर से पहले, जो कि लोकेटेड होगा 40 मीटर इन एडवांस ऑफ द फर्स्ट स्पीड ब्रेकर। तो आइए दोस्तों जानते हैं किसके पास ऑथोरिटी है टू इंस्टॉल स्पीड ब्रेकर्स इन द डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले है ऑथोराइज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, आल्सो रिकमेंडेड बाय पब्लिक। आप लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स होनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट एंड कंसर्न्ड म्युनिसिपल कमिश्नर काउंसिलर इन चार्ज ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ये अथॉरिटी है टू इंस्टॉल दी स्पीड ब्रेकर्स, एज वेल एज इनके पास और एक रेगुलेशन है टू अपकीप एंड मेंटेन दी स्पीड ब्रेकर्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस। सो गाइस लास्टली आई लाइक टू कंक्लूड इट बाय सेइंग द स्पीड ब्रेकर इज अ वेरी पावरफुल टूल टू रिड्यूस द वेलोसिटी एज वेल एज द सीरियसनेस एक्सीडेंट। लेकिन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हम जहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर्स ना बना दे, एज वेल एज हमें ये भी ध्यान में देखना होगा कि लोगों को स्पीड ब्रेकर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती है। सो कहीं पे भी हम लोग स्पीड ब्रेकर्स बना नहीं सकते हैं, एज वेल एज आपको तो इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन्स तो मिल ही गए हैं। सो कभी भी कोई लोग कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर्स बना रहे हो तो आप उनसे पूछिए कि उनको इसका अथॉरिटी किसने दिया है, एज वेल एज You have to also ask them about the guidelines, the rules and regulation. आप उनको समझा सकते हो इस वीडियो के थ्रू। You are getting a lot of information. And information से याद आया guys, we have also made one video about Realme Buds Air giveaway, a brand new Realme Buds Air guys. So this is a giveaway and one lucky winner is going to get that brand new Realme Buds Air. So guys, what are you waiting for? Link is in the description. Go and check it out. And one lucky winner is going to get that Realme Buds Air. So, इसी के साथ आज का वीडियो, I hope so, it is very informative. So, if it is informative, go like, share and comment your views. And इसी के साथ, thank you so much guys. And I hope so, it has been very informative for you all.